हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ गिरने वाली है हमारे यहाँ। पूरा सुबह से ही ठंडा है, धूप तो गायब हो गई है। और आपको जो मेरे पीछे काम होता दिख रहा है, तो हमारे शहर में अब अंडरग्राउंड बिजली जाएगी। बिजली जाने का मतलब है कि बिजली की तारें नीचे से जाएंगी। अब ये बाहर जो लटकी रहती ना, ये मेरे पीछे दिख रहे होंगे आपको, ये ख़त्म हो जाएंगी। पहले तो मैं सोच रहा था कि लंबा रोड पर घूमते हो, बट जिस हिसाब से धूल और ये पोल्यूशन उड़ता है, इस कारण मैंने सोचा कि अब पार्क में ही अपना जाए, क्यों आत्मा को इतनी कष्ट दिया जाए। एकदम सही, तो यही इलाका एकदम सही है, बिल्कुल शांति, कोई भीड़ भाड़ नहीं। तो आज फिर से मैं अपने उसी पार्क में आ गया, पूरा पार्क खाली पड़ा है। तो 15 मिनट की वॉक करेंगे, कार्डियो मान सकते हैं उसको, फिर उसके बाद जिम जाएंगे। और ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका है, लाइट ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि खाली पेट जिम जाते हैं, हम ब्रेकफास्ट करके जाते हैं और आने के बाद लंच करते हैं। तो आजकल सोशल मीडिया पर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, यूपी के इलेक्शन। और यूपी के इलेक्शन के साथ साथ ही आजकल आप देखोगे एक जो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है बनारस में, तो उसको लेके कई लोग लगे हैं कि मोदी जी ने 400 करोड़ रुपये खर्च कर दिए फालतू में, ये है वो है। तो पता नहीं उन लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता कि मोदी जी अपने घर तो नहीं लेके 400 करोड़। और ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि जो दो दो तीन तीन 100 करोड़ रुपए शादियों में खर्च कर देते हैं। तो बेसिकली ये खर्च नहीं मानते। अगर देखा जाए तो एक तो मंदिर बन गया, बढ़िया। दूसरा, जो पैसा लगा वो इकोनॉमी में ही फ्लो हुआ है। तो पता नहीं क्यों परेशान है लोग कि मोदी जी ने 400 करोड़ रुपये कॉरिडोर पर खर्चा कर दिया, ये है वो है। बहुत बढ़िया है, मैं तो कहूँ 400 क्या, 1600 करोड़ भी खर्च कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपोजिशन पार्टी के लोग, उनको पता नहीं क्या दिक्कत रहती है कि क्यों मंदिर पर खर्चा किया। तो मंदिर पर खर्चा होना चाहिए। अगर आप लोग कभी केदारनाथ नहीं गए तो वहाँ जाके अब देखना क्या अच्छा खर्चा होने के बाद क्या अच्छा बना दिया गया मंदिर। तो ठीक है, कोई तो बंदा है जो मंदिरों के बारे में भी सोच रहा है, नहीं तो लोग पहले खाली स्कैम के बारे में ही सोचते थे कि सरकार आए और स्कैम मारें। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपनी राय ज़रूर बताएं कि उनको क्या लगता है कि जो मंदिर में खर्चा किया है, राम मंदिर हो गया, अयोध्या हो गया या बनारस, जो भी मंदिर है इनमें खर्चा हुआ, तो ये क्या सही है गलत है। तो अपनी राय ज़रूर बताना, और जो इसके फेवर में नहीं है वो भी ज़रूर बताना। तो आज मैंने पूरे 30 मिनट की वॉक कर ली है, चक्कर तो नहीं गिने मैंने कितने हुए, बट 30 मिनट पूरे हो गए। तो अब जाते हैं जिम। तो टाइम हो चुका है लंच का, और आज लंच में है रोटी, बाजरे की रोटी, मक्खन, मिक्स वेज और सलाद। तो एक बार मुझे जाना है यहीं काम से, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो मुझे इसके बाल कटवा के आने हैं, तो बाल कटवा के आते हैं। तो सुबह तक का जो मौसम था, ऐसा लग रहा था बर्फ़ गिरेगी, बट अभी का मौसम ठीक ठाक हो गया, धूप आ रही है बढ़िया एकदम। तो देखो पूरी धूप भाई, अब यहाँ पे बन चुकी है बहुत ज़बरदस्त रोड। अभी तो एक साइड की बनी है, दो साइड की बनेगी, तो पता नहीं कितनी तेज बनेगी। और डेवलपमेंट की बात तो ये देखो कि यहाँ पे जो ये एस्केलेटर कहते हैं ना, तो यानी जो रोड पे लोग क्रॉस करेंगे रोड, वो भी अब एस्केलेटर में जाके ऊपर जाएंगे। तो जो काम था वो तो मेरा पूरा हो गया, सोचा मैं एक बार ठेके पर रुक जाऊँ और थोड़ा जूस पी लिया जाए। तो गाजर का जूस ये भाई बहुत सही बनाता है, बसई रोड पर इसकी दुकान, दिल्ली जूस कॉर्नर। तो अब आ चुका हूँ मैं घर, और ठंड होने लगी है इसलिए मैंने जैकेट दोबारा पहन ली अपनी। टाइम हो रहा है अभी 4:30, हल्की हल्की धूप है बट ठंड होने लगी है, तो ठंड से बच के रहो।